प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने कुशलतापूर्वक एक वर्ष पूरा किया है, जिसमें सरकार ने विकास के पथ पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज समाप्त हुआ है। सरकारी जमीनों और मकानों को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने के साथ साथ किसानों का ऋण भी माफ हुआ है। गोरखपुर जिले में 195 परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है, जो काफी प्रगति पे है। प्रदेश सरकार ने कत्लखानों को बंद करने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो का भी गठन किया है। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के शासन में जिसमें जंगल राज और गुंडा राज कायम था, उसमें जनता त्राही त्राही कर रही थी, लेकिन जनता ने खुद ही परिवर्तन किया। प्रदेश में अपराधी जेल जाने लगे और जो अपराधी जेल में बंद हैं वो बाहर आने से डर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही गोरखपुर के राप्ती नदी में वाटर एयरपोर्ट बनेगा, जिसके लिए केंद्र सरकार से संस्तुति मिल चुकी है। प्रभारी मंत्री ने बताया योगी सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ। एक साल नई मिसाल के साथ आज 75 जिलों में जनपद के प्रभारी मंत्री सरकार के द्वारा एक साल में कराए गए कार्यों का उल्लेख मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। योगी सरकार को बने एक वर्ष बीती, सरकार ने शपथ ली थी 19 मार्च 2017 योगी मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इससे पहले 15 वर्ष पूर्व सपा और बसपा का शासन काल, इसमें जनता त्राहि त्राहि कर रही थी और सच कहा जाए तो कानून समाप्त हो गया था, अपराध हावी हो गया था, जनता परिवर्तन चाहती थी, परिवर्तन हुआ। महंत योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने पर सबसे पहले चिंता की गई, प्रदेश में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं की सर्वाधिक संख्या है, ये संख्या प्रभावित थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप जो चुनाव हुए थे, तो कहा था कि पहली ही कैबिनेट में भाजपा की सरकार बनेगी तो किसानों का 1 लाख रुपए का कर्जा माफ किया जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में किसानों का 1 लाख का कर्जा माफ किया। दूसरा, कानून समाप्त था, इसके लिए भय दूर हो, माताएं बहने बेटियां निकलती नहीं थी, तो एंटी रोमियो टास्क फोर्स का गठन किया।
फिर यांत्रिक कत्ल खानों पर प्रतिबंध लगाया। सत्ता की सरकार में सरकारी जमीनों पर, मकानों पर, दुकानों पर माफियाओं ने अवैध कब्जे कर लिए थे, उनको हटवाने का काम किया गया। VIP कल्चर समाप्त किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ VIP जिलों को ही बिजली दी जाती थी, उसे समाप्त कर दिया गया। और VIP कल्चर यानी जो लाल बत्ती इत्यादि वो भी हटाकर सामान्य श्रेणी में सरकार के मंत्री चलने लगे। 3 नंबर 1 सुरक्षा और नंबर 2 विकास। पिछली सरकारों में कानून नाम की चीज खत्म हो गई थी। योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून को ठीक रखने के लिए कड़ाई की। अपराधी इतना कड़ाई किए हैं उत्तर प्रदेश में, अपराधी जमानत तोड़वाकर जेल के अंदर जाने लगे और जिन्होंने जमानत ले ली है वो बाहर नहीं आ रहे। पहले जनता भय खाती थी, अब अपराधी भय खाने लगा है। इतना कानून में सुधार हो गया है। कानून व्यवस्था संभालने के लिए योगी सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इसी का कारण है 21-22 फरवरी को लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हुआ और इन्वेस्टर समिट सफल हुआ। दुनिया के उद्यमी उत्तर प्रदेश में आए, ₹4.65 लाख करोड़ रुपए के MOU पर साइन हुए, हस्ताक्षर हुए ये निवेश पर। और देश में उद्यमी तभी आता है जब वो 3 बातें देख लेता है। नंबर 1 सेफ्टी, नंबर 2 कनेक्टिविटी और नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। यानी कानून व्यवस्था सही है, अब उद्यम ये समझता है कि मैं सुरक्षित हूँ तो उत्तर प्रदेश में आएगा, वो भय नहीं है उसका, कहीं अपहरण नहीं होगा, उसकी पूंजी लगी वो ठीक रहेगी, वो अपना व्यापार ठीक से कर लेगा। तो कम ही समय में योगी जी के नेतृत्व में सरकार का संदेश गया और योगी जी का आम आदमी केंद्रित बजट प्रस्तुत करना, योगी राज्य अब दिखाई देने लगा जनता में, सुरक्षा का वातावरण बना, उद्यमी इसलिए आए। दूसरा कनेक्टिविटी 3 होती है, रोड की कनेक्टिविटी, दूसरी रेल की कनेक्टिविटी, तीसरी एयर
यानी रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, तीनों कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की सही है, सड़कें ठीक होगी। और आपको आज अप्रत्याशित लगेगा, कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में ही गोरखपुर में आपकी राप्ती नदी में रिवर एयरपोर्ट बनेगा, क्योंकि माननीय गडकरी जी जमीन पर एयरपोर्ट बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है और नदी में एयरपोर्ट बनाने में उतना पैसा नहीं लगता। तो कुछ स्थान चिन्हित किए हैं, जैसे अयोध्या है, लखनऊ में गोमती में है और वाराणसी में गंगा में है। तो ये इन नदियों में एयरपोर्ट बनाने के, रिवर एयरपोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव है। रेल की कनेक्टिविटी ठीक है, एयर की भी कनेक्टिविटी ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पहले बिजली आती नहीं थी, कुछ ही जिलों को बिजली दी जाती थी, अब बिजली गांव को 18 घंटे और शहरों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। इस एक वर्ष में गोरखपुर का सर्वांगीण विकास हुआ है। पिपराज में चीनी मिल, एम्स और भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सभी पहलुओं में मैंने कहा कि गोरखपुर का सर्वांगीण विकास हुआ। फर्टिलाइजर ये हमने दे दिया है आपको, इसमें पढ़ लें। 27,000 करोड़ रुपए गन्ने मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार ने किया किसानों को। सीधे यहां बैठे हैं अभी भी जिलाधिकारी से, गेहूं खरीद केंद्र करने के लिए, किसानों के गेहूं क्रय केंद्र सुविधा अनुसार खोलने के लिए अभी निर्देशित किया गया है। डीएम ने, गोरखपुर ने ये भी कहा है कि हम किसान के गांव तक में जाके खरीदेंगे। इस बार किसान का गेहूं का रेट बहुत अच्छा है, 1735 रुपए प्रति क्विंटल, 10 रुपए प्रदेश सरकार किसान को ढुलाई का भी देगी प्रति क्विंटल, यानी 1745 रुपया हो गया, उससे भी डाउन होगा। आज भी जिलाधिकारी गोरखपुर को मैंने कहा है कि हमारी सरकार की जो इच्छा है उस अनुसार बोर जो रेट वगैरह महंगा नहीं होना चाहिए। डीएम ने भरोसा दिलाया है कि हम पूरी तरीके से कोशिश करके, इकट्ठे करके उपभोक्ताओं को, जो किसानों को बालू, रेत इत्यादि की जरूरत पड़ती है, वो सस्ता मिलेगा। दूसरा, मिट्टी पर रायती समाप्त कर दी जो सपा बसपा ने लगाई थी। कोई भी किसान कष्ट वाली मिट्टी कहीं से ला सकता है, उन्हें ना उसे कहीं से अब अनुमति लेने की जरूरत है, पुलिस ना चेक करेगी ना रोकेगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित कर दी गई है। योगी सरकार ने शिक्षा, पहले बच्चों का बेस ठीक नहीं था, उसमें सुधार कर दिया गया, का स्वेटर, अच्छी वेशभूषा, अब प्राइमरी के स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर दिया जाएगा, दवाई का इंतजाम, शिक्षा का इंतजाम, सिंचाई में भी विशेष योजनाएं लागू की जा रही। गंगा, घाघरा, सरयू, गंडक, राप्ती,
इत्यादि नदियों में बाढ़ सुरक्षा और घाट निर्माण, तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के काम प्रारंभ कर दिए गए। सिंचाई की चार राष्ट्रीय परियोजनाएं जो बरसों से लंबित थी, मध्य गंगा नहर परियोजना, ये पिछली सरकार ने बंद कर दिया था इसको, ये पश्चिम में इसको राशि जारी कर दी गई। सरयू नहर परियोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, पूर्वांचल के ये नौ जिले जिसमें गोरखपुर, बस्ती, आपका देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ये सारे जिले इसमें आते हैं, नौ जिले। अब आपको बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा सरयू नहर परियोजना पूरी होने से। ज्यादा पानी कम नदियों में पानी वाले में मिलाकर, जो ज्यादा पानी है कम नदियों में डालकर, इससे जो बाढ़ विनाशकारी होती थी वो बाढ़ अब लाभकारी होगी, किसान के खेतों की सिंचाई का काम करेगी, इसका हम प्रबंध भी करा रहे हैं और बाढ़ की परियोजनाओं को अप्रैल तक हम पूरी करने का लक्ष्य है, मई से आगे नहीं जाना। विभाग को निर्देशित किया है कि अप्रैल में पूरा कर लें और हमारी उपलब्धि भी है गोरखपुर की विशेष, और इसको हम बहुत जल्दी चालू करेंगे। सितंबर 2018 में ओपीडी का लाभ यहाँ की जनता को मिलने लगेगा। पूरा प्रयास रहेगा कि गोरखपुर की जनता को पूरा लाभ मिले, और आप सवाल तो कर रहे हैं गोरखपुर की जनता से, मेरा भी सवाल है, इतना विकास करने के बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं किया, पीड़ा है। अब आप देखना, लेकिन मेरे मन की चीज है, इतना आप दुनिया इतना विकास कर दिया एक साल में जो 50 साल में नहीं होता। ये चुनाव विकास के नाम पे हमने लड़ा, इसके बाद भी रिस्पांस नहीं मिला, तो मैं आपकी बात 14 वर्ष से 15 वर्षों से जिनकी हालतें खराब हो चुकी हैं उनको सुधारने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब एक साल से सब समझ लिया है, अधिकारी भी अपने ठिकाने पर आ रहे हैं कि भाई अब ज़्यादा गड़बड़ी नहीं कर पाए, अब सारा समझ लिया है, अब पूरी तरीके से टाइट होकर काम किया जाएगा, सरकार सरकार की तरह चलेगी, अनुशासन अनुशासन की तरह रहेगा। अनुशासनहीन कार्य अधिकारी चाहे कर्मचारी कोई भी हो उसको सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।